यीशु मसीह के आने से पहले भी परमेश्वर ने उसके आने से पहले ही सारी भविष्यवाणियां अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बाइबल के अंदर दी गई है और उन बाइबल के अंदर उसके आने से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणियां जो दी गई है एक दो बार नहीं बल्कि 44 बार भविष्यवाणी की गई है। एक दो बार नहीं 44 बार यीशु मसीह के आने का वर्णन इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर दिया गया है। यह तो पवित्र शास्त्र बाइबल की बात है, लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य वाली बात बताना चाहता हूं जो जो आपको सुनने में बड़ी खुशी मिलेगी। यीशु मसीह के बारे में ये पवित्र शास्त्र बाइबल तो कहता है कि एक जो कि पुत्र जन्मेगा और कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्मेगा और वही वह जो है कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वह संसार का जो है कि उद्धार करेगा। ये तो बाइबल कहती है, लेकिन मैं भारतीय दर्शन शास्त्र की कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र की बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो महापुराण की बातें हैं, महापुराण के भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग वर्ग और भरत खंड का जो 31 पद है, 31 पद क्या कहता है कि श्वेत वस्त्रम इस पुत्रम कुआरी गर्भ संभवम ईसा मसीह इति च नाम प्रतिष्ठ नमः। ये भविष्य पुराण में यीशु मसीह के आने का वर्णन यीशु मसीह के आने से पहले दे दिया गया था कि श्वेत वस्त्रम इस पुत्रम कुआ गर्भ संभवम ईसा मसीह इति च नाम प्रतिष्ठ नमः। वो ये पद हमें बताता है कि वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक कर्मयोगी सनातन पवित्र जो कुआरी के गर्भ से जन्म लेने वाला है और जो जन्म लेने वाला है उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल से नहीं हमारे महापुराण की बात है जो यीशु मसीह के आने का वर्णन ये महापुराण दे दिया था कि श्वेत वस्त्रम इस पुत्रम कुआरी गर्भ संभवम ईसा मसीह च नाम प्रतिष्ठम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक कर्मयोगी सनातन पवित्र कल्याणकारी मोक्षदायी है जो सबके हृदय में निवास करने वाला है। वह एक कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला है, वह जन्म लेगा और जो जन्म लेगा उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्य पुराण कह रहा है, यीशु मसीह के आने का वर्णन बता रहा है। लेकिन उसके बाद हमारे दर्शन शास्त्र के हमारे इस भारतीय दर्शन शास्त्र की कुछ बातें और है जो हमें इस बात का ज्ञान देती है जो ऋग्वेद के अध्याय 10 में जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वह क्या कहता है कि प्रजापति यगा यज्ञस्य देवयज्ञ भुवनेश्वर नाभि तद्रक्तम परमात्मनम पुण्यदान मल्याग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। ये पद कहता है प्रजापति यगा यज्ञस्य देवयज्ञ भुवनेश्वर नाभि तद्रक्तम परमात्मनम पुण्यदान मल्याग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। वो ये पद कहता है कि समस्त मानव जाति के पापों से रक्षा करने के लिए स्वयं परमेश्वर इस संसार में उतर कर आएगा, स्वयं परमेश्वर इस संसार में उतर कर आएगा और अपने देह से लहू बहाएगा। ये पद कह रहा है कि ये समस्त मानव जाति के पापों को समाने के लिए, पापों से रक्षा करने के लिए स्वयं परमेश्वर क्या करेगा, इस संसार के केंद्र बिंदु पे एक महायज्ञ करेगा। महायज्ञ यानी अपने प्राण की आहुति, अपने प्राण का बलिदान करेगा। भुवनेश्वर नाभि यानी पृथ्वी के मध्य बिंदु पे, आप यरूशलेम को उठाकर देखोगे, यरूशलेम पूरे विश्व के नक्शे में, वह पूरे विश्व के मानचित्र में, वह बीच में पड़ेगा, पृथ्वी के मध्य बिंदु पे पड़ता है, जिसके बारे में हमारा ऋग्वेद कहता है कि भुवनेश्वर नाभि वह क्या करेगा, इस पृथ्वी के नाभि पे वह एक महायज्ञ करेगा और उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देगा, अपने देह से लहू बहाएगा। क्या करने के लिए, समस्त मानव जाति के
पापों से क्षमा के लिए, पापों से रक्षा करने के लिए। हालेलुया, ये यीशु मसीह के बारे में ये पद हमें बताता है। और ऋग्वेद के 10वां मंडल का 90 पद कहता है कि स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन से दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा। स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन से दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा और स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। और जब तक स्वयं का बलिदान न चढ़ाया जाएगा तब तक तुम्हें पापों से क्षमा नहीं मिलेगी। मनुष्य को पापों से क्षमा नहीं मिलेगी, ये ऋग्वेद कहता है कि वह स्वयं परमेश्वर क्या करेगा, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी के सारे पाप के बंधनों को तोड़ने के लिए वह क्या करेगा, इस पृथ्वी पे क्या करेगा, शरीर रूप धारण करेगा, इस पृथ्वी पे प्रकट होगा, देह रूप धारण करेगा। और जो देह रूप धारण करेगा वह उस रूप को क्या कर देगा, बलिदान चढ़ा देगा। और जब तक वह बलिदान न चढ़ाएगा तब तक किसी भी मानव जाति को पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं कि इन सारी बातों के विषय में संत कबीर दास जी ने भी कुछ बातें कहा है। एक बार की बात है कि संत कबीर दास जी को वह यीशु मसीह का दर्शन मिलता है। कबीर दास जी, कबीरा दर्शन साधु का बड़ा भाग्य दर्शाए, सूली पर चढ़ी काटे सजा जो टारे टर जाए। कबीरा दर्शन साधु का बड़ा भाग्य दर्शाए और सूली पर चढ़ी काटे सजा जो टारे टर जाए। ये पद हमें बता रहा है कि मैं बड़ा भाग्यशाली मनुष्य हूं। वह कबीर दास जी कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली मनुष्य हूं। उन्होंने कहा मैं बहुत भाग्यशाली मनुष्य हूं जो मुझे उस शुभम पुरुष निष्कलंक देहधारी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला है। उन्होंने कहा मुझे उस शुभम पुरुष निष्कलंक देहधारी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मुझे मिला है कि जो सूली पर चढ़कर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर लटक रहे थे, कि जो पाप का कांटा हमारे शरीर में चुभाया गया है वह हमारे शरीर से बाहर हो जाए। उन्होंने कहा कि वह इसलिए हमारे पापों को अपने देह पर लेकर वह सूली पे लटक रहा था, वह इसलिए लटक रहा था कि जो पाप का कांटा हमारे शरीर में चुभाया गया है, जिस पाप के कारण हम नाश हो रहे हैं, जो पाप का कांटा हमारे शरीर में चुभाया गया है वह क्या हो, हमारे शरीर से बाहर हो जाए, यानी हम पाप से छुटकारा पा जाए, हम पापों से क्षमा पा जाए, हमें पापों से छुटकारा मिले, हम पाप से मुक्त हो जाए। कबीर दास जी ने कहा है। और वही ऋग्वेद का 10वां मंडल 10:9-6 पद कहता है कि यह वही पुरुष है जो देह के रूप प्रकट होकर वह स्वयं का बलिदान दे देगा। जो ये पद कह रहा है कि यह वही पुरुष है जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान करेगा, यानी वह देह ही बलिदान कर देगा। यह वही पुरुष है, कौन, वह यीशु मसीह है जो क्या करेगा, देह पकड़ेगा और यह देह को क्या करेगा, यह देह को क्या करेगा, बलिदान कर देगा। किसके लिए, समस्त मानव जाति के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सामवेद क्या कहता है, सामवेद के तांडव महाब्राह्मण क्या के पद में क्या लिखा गया है, कि ये पद क्या कह रहा है कि प्रजापति देवेग्न आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रक्षत। वह वचन कह रही है कि प्रजापति देवेभ्य आत्मा नाम यज्ञ कृत्वा प्रक्षत। ये पद कह रहा है कि अर्थात परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा और पापों के लिए पश्चाताप ग्रहण करेगा। ये पद कह रहा है कि वह स्वयं परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा, बलिदान के लिए दे देगा, और पश्चाताप करने वालों के लिए जो पश्चाताप होगा वो पश्चाताप को ग्रहण करेगा, यानी उसके पश्चाताप को ग्रहण करके उनके पापों को क्षमा दे देगा। वह कौन करेगा, यीशु मसीह है।
जो क्या करता है, जिसके सामने हम घुटने टेक कर पापों के लिए गिड़गिड़ाते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो हमारे पश्चाताप को वह ग्रहण करता है और हमें पापों से क्षमा देता है। और ये कब हुआ कि जब वह आया संसार में, देह लेकर आया और देह को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। ये सामवेद कह रहा है कि प्रजापति देवेभ्य आत्मा नाम यज्ञम कृत्वा प्रक्षत। इसमें ये पद हमें बता रहा है कि वह स्वयं परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर देगा और बलिदान करने के बाद पापों के क्षमा के लिए, पश्चाताप ग्रहण करने के लिए वह ऐसा काम करेगा कि जितने लोग पश्चाताप करेंगे उनके पश्चाताप को वह ग्रहण करेगा और क्षमा उनको दे देगा। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बनो, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही नहीं गवाही देती है, पवित्र शास्त्र बाइबल ही नहीं कहती है, बल्कि हमारे दर्शन शास्त्र में भी, जैसे बाइबल के अंदर यीशु मसीह का वर्णन 44 बार दिया गया है, वैसे दर्शन शास्त्र के अंदर यीशु मसीह के बारे में 37 बार लिखा गया है, एक दो बार नहीं 37 बार वर्णन किया गया है कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर आएगा और देह को बलिदान कर देगा, देह से लहू बहाएगा और जब ये लहू बहाएगा तो इस लहू के द्वारा संसार को पापों से क्षमा मिलेगी और संसार पाप से उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह ने ऐसा काम किया, संसार को क्या कर दिया, पाप से छुटकारा दे दिया, क्या करके, संसार के पापों अपने देह पर लेकर, जो हमने और आपने क्या किया, परमेश्वर के कानून को तोड़ा और हम भटकी हुई भेड़ों के समान हो गए और ने अपने मनचाहा रास्ता ढूंढ लिए और वह रास्ता ढूंढे जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है, लेकिन फिर भी वह धन्य है परमेश्वर जो हमें बचाने के लिए अपना पुत्र संसार में भेजा ताकि समस्त मानव जाति जो पाप में खोए हुए हैं, जो अपने मनचाहा रास्ता में खोए हुए हैं, वह क्या करे, खोए हुओं को इकट्ठा करे और उनको उनके पापों से उद्धार करे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार में इसलिए आया ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह आया कि वह इसलिए आया, उसने कहा कि मैं संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वचन बता रही है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, उसके ऊपर जो ताड़ना पड़ी वो हमारी शांति के लिए, हमारे अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया। हमें अपने उद्धार के लिए, अपने छुटकारा के लिए, अपने चंगाई के लिए हमें उसके बलिदान को याद करना चाहिए। जिसके बलिदान को याद करते हैं हम, जब अपने देह में उसके जख्म को याद करते हैं, उसकी सारी ताड़नाओं को याद करते हैं, तो हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, हमें जीवन मिलता है। हम जब उसके छुटकारा को याद करते हैं और स्वयं को दोषीदार ठहराते हैं, हे परमेश्वर हमने पाप किया और तूने बलिदान सह लिया, तूने ताड़नाएं सही, हमने हाथों से पाप किया, तूने अपने हाथ को छिदवा लिया, जब हम ऐसा सोचकर महसूस करते हैं, उन जख्मों को अपने शरीर में याद करते हैं और अपने को दोषीदार ठहराते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं कि हमने पाप किया है और तूने सह लिया है, तब वह परमेश्वर दया दृष्टि करता है, आपके इस पश्चाताप के शब्दों को वह कबूलता है और क्षमा की आशीष आपको देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई जो परमेश्वर का बलिदान है, हमें उसका बलिदान हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए उसका बलिदान हमारे लिए जीवन प्रकट करता है। इसलिए हमेशा उसके बलिदान को अपने दिलो दिमाग पे हमेशा ध्यान में रखे रहिए और हमेशा याद करते रहिए कि कोई एक है जो आपके बीच में आया और आपके पापों के लिए बलिदान हो गया, आपको स्वर्ग में ले जाने के, आपको स्वर्ग के लायक बना दिया। कोई एक है जो आपके लिए मार खाई, कोई एक है जो आपके लिए ताड़ना सही, कोई एक है जो आपके लिए मर गया और मरने के बाद वह फिर जिंदा भी हो गया, उसने आपके लिए मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु के सर के ऊपर
पैर रख कर वह बाहर निकला, और इसलिए निकला क्योंकि वह खुद जीवित है, इसलिए वह बाहर निकला कि हम भी उसके समान अनंत काल के लिए जीविता बन जाएं। आमेन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।